So in this question, we are giving integral of cos x upon 1 plus cos x we are to find out. Whenever we are having this type of denominator, जिसमें आपका कुछ extra add हो रहा है और numerator में बाकी साथ में कोई चीज है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 plus cos x है, numerator में we are having only cos x. तो हम क्या करेंगे, numerator में plus 1 and minus 1. Constants add कर रहे हैं, adding 1 and subtracting 1 from the न्यूमेरेटर, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस cos x को अलग कर लेंगे इसके साथ और माइनस 1 को अलग कर लेंगे. 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx और ये माइनस 1 अपॉन बन जाएगा. तो दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x. ये हमारी दोनों टर्म सेम है, तो दिस विल बी 1 इनटू b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का कल आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था, दैट इज 2 sin cos स्क्वायर हाफ ऑफ n. सो 1 प्लस cos x है, तो हाफ ऑफ द एंगल आपका x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, x बाय 2 बन जाएगा. सो ये आ गया हमारे पास. अब 1 का जो इंटीग्रल है दैट इज x, अब रह क्या गया हमारे पास, 1 प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 को वी कैन राइट डाउन, इसका इंटीग्रल आ गया हमारे पास x माइनस 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर का इंटीग्रल इज secant स्क्वायर dx. आप चाहो तो इसका इंटीग्रल भी नेक्स्ट स्टेप में ले लेना, फिर इकट्ठा आपका जो प्लस c है वो दोनों में ऐड हो जाएगा. So this will be integral of 1 is x minus half after f it is secant square x by 2. Secant square jo hai, that is derivative of tan. So iske saath aa jayega tan. Angle kya hai, x by 2. So angle aa gaya aapka x by 2 divided by derivative of this x minus ka derivative is half plus c. Ab ye half और हाफ आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस tan x by 2 प्लस x माइनस tan x by 2 प्लस c. एंड दिस विल बी योर आंसर. दोबारा देखो इसको, हमें जो क्वेश्चन गिवन था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ x cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx. जब आपके पास इस तरह की फॉर्म है जिसमें ये जो टी रेशियोज हैं आपकी वो डिनोमिनेटर वाली किसी कांस्टेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सेम कांस्टेंट आपने न्यूमरेटर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. उसके बाद जो कांस्टेंट्स आपने ऐड किए हैं, एक कांस्टेंट टी रेशियो के साथ ले लोगे, एक अकेला ले लोगे, तो आपका जब उनको टी रेशियो वाले के साथ कांस्टेंट लोगे, ये वाली टर्म्स आपकी दोनों सेम होंगे, विल गिव यू 1. और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस cos x जो है आपका, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x बाय 2. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 dx माइनस हाफ ऑफ secant स्क्वायर x बाय 2 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, 1 बाय 2 ये वाला मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया secant स्क्वायर से. देन 1 का इंटीग्रल इज x, secant स्क्वायर जो है क्योंकि वो tan का डेरिवेटिव है, तो secant स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रल इज tan x by 2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज हाफ. ये ध्यान रखना है, जब आपका एंगल x के अलावा कुछ और है तो एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है. और ये वाला जो आपका माइनस हाफ था ये एज इट इज आ गया, फिर ये हाफ और ये हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया. So we are left with the answer x minus tan x by 2 plus c. So this was your question number 9. Now moving on to question number 10. Question number 10 we are having sine to the power 4x. Again power to power here. So conversion karne padegi hame. Sine to the power 4 ko hum sine square रेस टू पार्ट टू लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन की पार्ट फोर के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है. कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इनटू ये चीज हमने. अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको जो साइन स्क्वायर है इसको
कन्वर्ट करना है, तो टू साइन स्क्वायर का आपको एंगल फॉर्मूला करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस डबल एंगल फाइव। तो अब यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू से ये रिप्लेस हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर की जगह रिप्लेसमेंट कर दी, होल स्क्वायर डी एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो ये वाला रूट जो अपॉन में है, जब आप इसका स्क्वायर देखें तो दिस विल बी 4, तो ये 4 मैं यहाँ से रिमूव करके बाहर लिख देती हूँ। तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्योंकि कॉन्स्टेंट था मैंने बाहर दे दिया, यहाँ पे रह गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2a। यहाँ पे सिंपली हमने जो है फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी होल स्क्वायर का, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगेन यहाँ पे जो आपकी कॉस वाली टर्म है दैट इज इन स्क्वायर, दैट इज हैविंग अ पावर, तो इसको फिर से हमें जो कॉस स्क्वायर x वाला फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंगल क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर में मेरे पास 2x है, तो जब यहाँ पे मैं एंगल डबल करूंगी तो एंगल 4x बन जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, इसकी अब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, सो दिस इज 1 प्लस cos 4x / 2, 2x का एंगल डबल करके हो गया ये आपका cos 4x और माइनस 2 cos 2x। अब फिर क्या करोगे आप, इनका इंटेग्रल ले लोगे, इंटेग्रल्स आपको पता है, उससे पहले आप इनको अलग अलग लिख लेना, ये 1/2 प्लस कॉस 4x बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 विल गिव यू 3/2, मैंने इसी स्टेप में करते गए थे सारा, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना। तो दिस इज 3/2 प्लस कॉस 4x बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इनके हमने इंटेग्रल्स ले लेते हैं, 3/2 इज अ कांस्टेंट, तो इसका इंटेग्रल जब आप लोगे तो दैट विल बी 3/2x cos 4x / 2 है, cos का जो इंटेग्रल है दैट इज sin, क्योंकि cos sin का डेरिवेटिव होता है, तो दिस विल बी sin 4x / 2 ऑलरेडी था और इसके डेरिवेटिव यानी कि 4 से आप डिवाइड करेंगे, और सेम वे में यहां पे माइनस 2 cos 2x है, तो इसके इंटेग्रल जो है उससे आप डिवाइड करोगे, 1/4 आप बाहर लेंगे, तो दिस विल बी 3/2 प्लस cos का इंटीग्रल जो है दैट इज sin 4x, इसका एक तो ये y को और इनटू इसका डेरिवेटिव देन माइनस 2 इनटू cos का इंटीग्रल sin डिवाइडेड बाय x डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कोण आप चाहो तो अंदर ले लो और प्लस से आपके साथ में कर लो, तो दिस इज 3/2x प्लस sin 4x / 8 माइनस sin 2x प्लस, सो दिस इज योर आंसर। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस देन यू कैन आस्क योर डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सिमिलर है, वहां पे साइन की जगह आप कॉस लेके चलोगे, तो फॉर्मूला आपका यहाँ 1 प्लस वाला हो जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा, यानी कि ये चीज आपकी प्लस में आएगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट सेम। तो दैट यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर गिवन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कॉस है, न्यूमरेटर में मेरे पास साइन है, बट अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो न्यूमरेटर में आई एम हैविंग साइन स्क्वायर, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यूज करूंगी 1 प्लस कॉस एक्स को अगर मैं डीपुट करूंगी तो साइन स्क्वायर नहीं आएगा मेरे पास उसका डेरिवेटिव, जबकि आई एम यूजिंग हियर साइन स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को वी नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस, तो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में वी आर गिवन 1 प्लस कॉस एक्स इनटू डी।
अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ. दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगी ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स. अब वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद वन माइनस कॉस एक्स. वन माइनस कॉस एक्स को आप सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर. सो इसको सिंप्लीफाई करो. वन जो है इसका इंटीग्रल इज एक्स एंड जो आपका कॉस एक्स है इसका इंटीग्रल यू नो दैट इज साइन एक्स. क्योंकि कॉस साइन करेंगे एक्स माइनस साइन एक्स नेगेटिव साइन ले आ जाती है प्लस सी. सो दिस इज योर आंसर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी. सो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में ना कभी आंसर this is cos 2 is minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha. अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो न्यूमिनेटर है दैट इज हैविंग डबल एंगल और जो डिनोमिनेटर है दैट इज हैविंग हाफ अपना एंगल. ऊपर 2x है नीचे x है दोनों केसेस में. तो हमें क्या करना है ऊपर वाला जो हमारा डबल एंगल एंगल है उसको हम हाफ में कन्वर्ट करेंगे. तो cos cube x जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा 2 cos square x minus 1 से minus cos 2 alpha इंक्रीज हो जाएगा 2 cos square alpha denominator as it is. तो आप यहाँ से कॉमन ले लोगे numerator you can see that we are having the form a square minus b square. So this will be a minus b numerator or denominator same term here cos x minus cos alpha we have to cancel. You are left with twice of integral cos x plus cos alpha. अब इसका इंटीग्रल ले लो cos x का इंटीग्रल है प्लस. अब यहाँ पे ध्यान देना जो आपका cos अल्फा है दैट इज अ कांस्टेंट. ठीक है तो उसको आपने sin अल्फा में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है दैट इज x. अब cos के साथ x नहीं है तो cos अल्फा इज अ कांस्टेंट. तो cos जो 2 cos अल्फा है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रल लेते हो तो दैट इज कांस्टेंट टाइम्स x और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c जरूर लगाना है अदरवाइज आपका जो हाफ मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. सो 2 sin x की cos x आपका क्योंकि वेरिएबल के साथ था तो cos का आपका जो इंटीग्रल है दैट इज sin और 2 cos alpha जो है that is a constant. तो 2 cos alpha as it is into 1 हम इसको लिख सकते थे. तो 1 का integral is x plus c. So this was your question number 13. Now question number 14. Again question number 14 जो है that is very important. ध्यान से करना है इसको. Question number 14 में ये form बन जाती है आपकी. This is cos x minus sin x अपॉन वन प्लस साइन टू. जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें न्यूमिनेटर में कॉस और साइन आपस में या ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और डिनोमिनेटर में आपको वन प्लस साइन टू एक्स वाली फॉर्म गिवन होगी उसमें हमने क्या करना होता है जो हमें यहाँ पे गिवन होता है. जैसे यहाँ पे मुझे क्या गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स गिवन है. तो हम क्या करते हैं उसमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसमें यूज करते हैं. तो cos x माइनस साइन x है और अपॉन में 1 प्लस साइन 2x है. तो cos x जो माइनस साइन ऊपर है तो प्लस वाले को पुट करोगे, अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस वाले को पुट करोगे. ये चीज हो गई. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रीराइज करते हैं बात को डिनोमिनेटर में. 1 को आई विल रिप्लेस विद cos square x प्लस साइन square x और साइन 2x को आई कैन राइट एज 2 sin x cos. तो ये मेरा क्या बन गया, cos x minus sin x upon me cos x plus sin x whole square. ये फॉर्मूला बन गया आपका a square plus b square plus 2ab. तो इसको मैंने a plus b whole square के फॉर्म में लिख cos x minus sin x लिख लिया dx. आप चाहो तो ये वाला स्टेप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे. ये आपका बन जाएगा cos x plus sin x whole square. This is equal to b square. अब cos x plus sin x को आपने b किया हुआ है तो whole square क्या आ जाएगा आपका b square. तो आप चाहो तो इसको यहाँ कर दो, अदरवाइज यहाँ कर दो. That is तो cos x plus sin x को हमने b किया तो डेरिवेटिव जब आपने लिया, cos का डेरिवेटिव is minus sin x, sin का डेरिवेटिव is cos x. ऊपर चला जाएगा, पावर क्योंकि 1 से ज्यादा है तो a की पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c को आप रिप्लेस कर देंगे cos x प्लस sin x c प्लस c साथ में लगाने के बाद है. सो दिस विल बी योर आंसर. Now the next question number है हमारे पास question number 15, that is tan cube 2x into secant x. कल भी आपको मैंने बताया था कि जब मेरे पास इस तरह का question होता है तो व्हाट वी डू कि हम जो क्यूब वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, पावर स्प्लिट कर लेंगे हम उसकी. जैसे टेन क्यूब है तो टेन इंटू टेन स्क्वायर में उसको लिख सकती हूँ. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, टेन क्यूब एक्स इंटू टेन क्यूब 2x इंटू सीकेंट 2x. tan cube को I will write down as tan 2x into tan square 2x. So this is tan square 2x into tan 2x secant 2x. अब tan square को अगेन मैं कन्वर्ट कर लूंगी secant square minus 1 की फॉर्म में. मैं इसको लिख सकती हूँ, एंगल सेम रहेगा. So this will be secant square 2x minus 1 into secant 2x tan x लिख सकते हैं इसको, tan 2x. Now see this carefully. अब यहाँ पे this is secant 2x, ये constant है, ये जो चीज है this is the derivative of this. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये secant square 2x है इसको हम put कर लेंगे t. आप चाहो तो इस पूरे को भी t put कर सकते हो. That is your wish. Ultimately, last में जो answer है वो आपका same आ जाएगा. तो हमने क्या करना है, secant square 2x minus 1, या फिर आप bracket open कर लो यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए जो है
वर्क करेगा, सेकेंट स्क्वायर 2x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल गिव यू सेकेंट 2x टैन 2x, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू। और यहाँ पे माइनस सेकेंट 2x टैन 2x dx, अदरवाइज सेकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 जो है, नहीं सेकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 को नहीं पुट करोगे क्योंकि t में वो आपकी फॉर्म नहीं चलेगी, तो आपको ब्रैकेट ओपन करके ही करना पड़ेगा। सो सेकेंट स्क्वायर 2x है यहाँ पे, और यहाँ सेकेंट 2x टैन 2x है, तो सेकेंट 2 क्योंकि यहाँ जो है इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव बन रहा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे हम उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट 2x को t पुट कर लेंगे, यहाँ तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू t, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे सीकेंट 2x tan 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 dx इज इक्वल टू dt, तो ये पार्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा dt से और ये पार्ट आपका रिप्लेस होगा t स्क्वायर से। माइनस सेकेंट एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंट एक्स टेन एक्स जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स, तो यहाँ पे आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लोगे, बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है क्योंकि एंगल यहाँ पे 2x है तो 2 से डिवाइड करना है साथ में। और c डैश ले लिया मैंने इस वाले इंटीग्रल के लिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे, इंटेग्रल इसका ले लोगे तो दैट विल बी टी क्यूब बाय 3 और फिर टी को आप रिप्लेस कर दोगे। अब टी को आप टू सेकेंट स्क्वायर एक्स सेकेंट 2x से रिप्लेस कर दोगे, सो दिस विल बी योर आंसर सेकेंट क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस 1/2 सेकेंट 2x प्लस सी, सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस यू विल कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, इन दैट 10 टू द पावर 4 है आपके पास x, तो 10 टू द पावर 4x जैसे आपने उसमें किया था साइन और कॉस वाले में, इन द सेम वे यू विल डू 10 स्क्वायर x का पावर 2 ले लोगे, देन आप 10 स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 से, एक 10 स्क्वायर को रिप्लेस कर देना सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 से, एंड देन ब्रैकेट्स ओपन करके जैसे यहाँ पे की हैं, इन द सेम वे यू विल प्रोसीड। सो दिस यू विल डू योर सेल्फ। एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यू आर हैविंग, सिंपल है ये भी, देखने में आपको थोड़ा सा लगेगा टफ है, हमने क्या करना है टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। टर्म्स जब आप सेपरेट करोगे कटिंग हो जाएगी उसमें। We are having sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x. So this is sin cube x plus cos cube x upon sin square x cos square x and dx. So sin cube x plus cos cube है तो इनको separate करके लिखोगे, this will be sin cube x upon sin square x cos square x. And this will be cos cube x sin square x cos square x dx. अब sin square और cube cancel out हुए, ये रह गया आपका sin x upon cos x into cos x. cos square को again split कर लिया cos into cos से। अब next वाला लेके चलेंगे हम, तो same वे में cos square पावर एक कैंसिल करके दिस इज cos x अपॉन sin square को हमने लिख लिया sin x into sin x. अब sin अपॉन cos ये आपको देगा 10 और 1 by cos will give you secant plus cos upon sin is cot and 1 upon sin is cos. अब secant x tan x जो है that is derivative of secant x, तो integral इसका बन जाएगा secant x. cot x cos x जो है that is derivative with minus sign होता है cos sec x का, तो यहाँ पे negative sign लगा दोगे cos sec x plus c,
आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए. इंटीग्रेशन जो है सीकेंट एक्स टैन एक्स का, दैट इज सीकेंट एक्स, एंड कॉट एक्स कॉसेक एक्स का, दैट इज माइनस कॉसेक एक्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18 जो है अब हम करेंगे, दैट इज कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स. So this is cos 2x plus 2 sin square x upon में cos square x. अब यहाँ पे ध्यान दो, cos 2x है मेरे पास और साथ में क्या है 2 sin square x है. तो cos 2x का मुझे फॉर्मूला पता है जो 2 sin square वाला होता है, that is 1 minus 2 sin square x. तो cos 2x को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. कॉस 2x के आपने 4 फॉर्मूले किए हुए, उसमें से ये साइन वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यूज कर लिया, क्योंकि कॉस 2x मेरे पास डबल एंगल था, बाकी सभी एंगल्स हाफ थे. तो इसको हाफ बनाने के लिए मुझे 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता था, तो दैट वी हैव यूज. अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. 1 अपॉन कॉस कैन बी रिटन एज सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर जो है दैट इज द इंटेग्रल ऑफ टेन. So this is your answer. और प्लस सी साथ में लगाना ही लगाना है. सो टेन एक्स प्लस सी इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में वी आर हैविंग इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. अब यहाँ पे देखो साइन और कॉस की टर्म्स में हमें गिवन है, तो हमने जो है इनकी कन्वर्जेंस करनी है. तो इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज कन्वर्ट हो सकती है. सो मेरे पास है ये 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसको कन्वर्ट कर लूंगी टेन की टर्म्स में. अब इसको टेन की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कॉस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. तो ये मेरा बन गया 1 अपॉन टेन एक्स. अब टेन के साथ कॉस नहीं चलेगा मेरा, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर में. कॉस टू द पावर 4 है, सीकेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस को. कॉस टू द पावर 4 है, तो सीकेंट की भी पावर मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगी, 4. अब इस सीकेंट टू द पावर 4 को अगेन आई विल राइट डाउन, क्योंकि टेन का मेरे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव सीकेंट 4 नहीं होता, तो इसको मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लूंगे. अब आपको पता है एक आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो एक को आप रिप्लेस कर लोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स. आई नो दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में क्या है हमारे पास टेन एक्स. अब टेन एक्स जो है हमारे पास, इसको हम क्या पुट करेंगे, टी पुट कर लेंगे. तो हमारे पास पुट टेन एक्स is equal to t तो replacement होएगी after derivative secant square x dx, हमारे पास आ जाएगा dt, यानी कि इसको मैं replace करूंगी dt से, and 1 plus tan square x will become 1 plus z square, और upon में भी tan x है, t है ये, upon में t. So this is 1 by t plus t square by t into dt. इनको मैंने अलग अलग करके लिख लिया. अब 1 by t जो है मेरे पास, that is log of t plus t का integral t square by 2 plus c, integral लेने के बाद constant of integration. t किसको put किया था मैंने, tan को. So this is log of tan x plus tan square x by 2 plus c. So ये हमारा हो जाएगा question number 19. Now moving on to the next question. So question number 20.
कॉस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। कॉस टू एक्स को रिप्लेस कर दोगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। सो आई एम गिविंग यू द हिंट फॉर दिस, यू विल डू इट योर सेल्फ। वी आर हैविंग कॉस टू एक्स अपॉन cos x plus cos x minus sin x cos x plus sin x whole square. 2 है, एंगल डबल है, एंगल हाफ है। cos 2x का मुझे cos और sin की टर्म्स में फॉर्मूला पता है, मैंने वो फॉर्मूला यूज किया। ऊपर मेरी फॉर्म बन रही है a square minus b square. तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने फॉर्मूला यूज किया। प्लस वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक रह जाएगा डिनोमिनेटर में, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपने किया हुआ है, सो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को आप पी पुट कर लोगे। So, इसका डेरिवेटिव आपका न्यूमिनेटर में बन रहा है, तो लॉग ऑफ जो है आपका आंसर, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी विल बी योर आंसर। इसको टी पुट करो, ये डी टी हो जाएगा। वन बाय टी का इंटेग्रल इज लॉग ऑफ टी, टी को आप रिप्लेस कर दोगे तो यू विल बी हैविंग लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन दिस वन इज अ सिंपल क्वेश्चन। हमें गिवन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो साइन इनवर्स है बाहर, अंदर मेरे पास कॉस है, तो मुझे क्या करना है, कॉस को कन्वर्ट करना है ताकि ये साइन बन के इसके साथ कैंसल आउट हो जाए। तो दैट कैन बी रिटन है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट लगा दिया, तो ये दोनों आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। वी विल बी लेफ्ट विद पाई बाय टू माइनस एक्स, उसका जब आप इंटेग्रल लोगे तो पाई बाय टू एक कॉन्स्टेंट है, इसका इंटेग्रल विल बी पाई बाय टू एक्स, और माइनस एक्स का इंटेग्रल विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ, तो आप इसको ट्राई कर लेना। हमें गिवन है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें, देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमने क्या करना है, साइन ऑफ जो है बी माइनस ए से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। कॉन्स्टेंट है ये, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा है, तो हमने क्या करना है, न्यूमिरेटर में जो है इसको लेके आना है ताकि हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो स्प्लिट कर सकें। तो हमने क्या किया, साइन ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। अब इन दोनों को ले लेना और इन दोनों को ले लेना, तो फिर आपकी जो है यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आप ओपन करके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेना एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। अगर ये आपसे हो गया देन इट विल बी फाइन, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस ऑन मंडे एंड अगेन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक आल्सो ऑन मंडे। एंड दोज हु हैव नॉट सेंट मी द टेस्ट, सेंड इट बिफोर 11, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू जीरो। So if any doubt is there, you can ask for the doubt. Otherwise, I am ending the meeting. You can raise your hand. Otherwise, I am giving you the option to unmute. I have given you the option to unmute also. So if no doubts are there, so I am ending the meeting. Sarthak, you rejoin the meeting, bache. 9th B, rejoin the meeting. Thank you. Have a nice day.